अभी हम इस प्रार्थना में पहुंच गए हैं। मैं यही इंतजार कर रहा था, यही प्रार्थना हमारी दिन भर की रोती आता मैंने। अच्छा आज रोज की बात आ गई, आज मेरी जो 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 भी आवश्यकता है ना वो मैं अभी सब मांगूंगा परमेश्वर से। अभी मैंने यही प्रार्थना इंतजार करा है ना, कितना अच्छा लगा, बहुत खुश है। अभी हम जीते जीते मांगेंगे जो मैं मुझे जो 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 आवश्यकता है वो है ना, खाने का, पहनने का, रहने का, पैसों का और संपत्तों का, शादी का, सब कुछ मैं इसमें डाल के एक कंट धोखा था। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए मांगूंगा, फिर पूरा रेडी है ना। लेकिन मैं आपको आज थोड़ा निराशा करने जा रहा हूँ, यह प्रार्थना वही प्रार्थना नहीं है जो हम सोच रहे थे। वो अपने लालचों को भरने के लिए ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना भी क्या है, परमेश्वर के लिए है और हमारे लिए है। लेकिन हमारे शारीरिक जीवन के जीवन से बढ़कर हमारे आत्मिक जीवन के लिए, ठीक है। क्योंकि इस प्रार्थना अगर हम अपनी जरूरत वक्तों को आवश्यकता खाना पीना रहना और उसके लिए हम मांगने के लिए यीशु ने ये सिखाया, अब ऐसा प्रार्थना किया करो हमारे दिन भर की रोटी आजा मेरे, हमारे आवश्यकताओं को सिर्फ पूरा करने के लिए सिखाया, तो बाकी परमेश्वर यीशु की जो शिक्षा है ना, यीशु के वचन से ये थोड़ा विपरीत हो जाता है। क्योंकि मत्ती 6 का 31-32 में क्या लिखा है, हमने उस दिन याद भी किया था ये वाला, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति नॉन क्रिश्चियन ये सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारे मांगने से पहले हमारा पिता जानता है कि हमें क्या 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 आवश्यकता है, तो इसमें चिंता मत करो, इसके लिए ज्यादा मांगो नहीं, मांग पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म पिता की खोज में रहो। यीशु ने ये सिखाया था बीपी से जाके, लेकिन इस बार आके हमें ये सिखाया कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमारे, और ये खाने का पीने का रहने का सब कुछ, स्कूल में पढ़ाई का जॉब का सब कुछ, ये जब मेरी आवश्यकता है वो पूरा भर दे, मुझे ये दे दो। ये प्रार्थना करने के लिए हमें ये सिखाया होगा सोचने की बात, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे मांगने से पहले, हमारी क्या 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 आवश्यकता है, क्या क्या चल रहा है, तो मांगने से पहले परमेश्वर जानता है और सब प्रदान करता है समय समय से। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, इसका सही मतलब इसमें हमें एक शब्द पे फोकस में ध्यान देना है। क्या शब्द होगा, रोटी पे, रोटी पे ध्यान देंगे तो हम ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, मान लीजिए रोटी पे ध्यान नहीं देना, किस पे ध्यान देना, दिन भर की। ये दूसरे जो हिंदी ग्रंथ दूसरा बाइबल में ये लिखा हुआ है, हमारा प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे, ऐसा लिखा है। और दूसरे ट्रांसलेशन में दिन प्रतिदिन का आहार तो आज हमें दे, ऐसा लिखा है। और जो सरल हिंदी सरल बाइबल में आज हमें हमारा दैनिक आहार प्रदान कीजिए, ऐसा लिखा है दैनिक। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, गिव अस आवर डेली ब्रेड, तो ये दैनिक डेली दिन भर की रोटी यानी प्रतिदिन की रोटी या दैनिक रोटी, दैनिक पे डेली पे फोकस करो। प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, इसमें क्या मीनिंग मतलब शामिल है, पहला कि हमें ये प्रार्थना हर दिन करनी चाहिए, हर दिन, क्योंकि प्रतिदिन मांगने के लिए बोलता है प्रतिदिन, तो हर दिन दैनिक डेली हमें ये डेली प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने ये इसलिए दे दिया। और दूसरा, हमें जितना जरूरत है सिर्फ उतना मांगना, ज्यादा नहीं मांगना है, और बहुत बहुत लालच को मतलब भरने के लिए नहीं मांगना है, सिर्फ उतना ही मांगना है जितना हमें जरूरत है। तीसरा क्या है, ये प्रार्थना करने के द्वारा हमें क्या पे फोकस नहीं करना है, को
पे फोकस करना है। क्या मांग रहे हैं हम, क्या क्या मिल रहा है इसमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन किससे मांग रहे हैं ये इसमें ध्यान देना। इसलिए यीशु ने ये सिखाया तो हर दिन प्रतिदिन ये प्रार्थना किया करें, ठीक है। और यहां तक सुनते हुए आपके मन में एक कहानी जरूर आनी चाहिए, याद आनी चाहिए, मन्ना की कहानी। यीशु अभी जब ये सिखा रहा था, यीशु के मन में भी ये था मन्ना। मन्ना को अभी हमारे चेलों को मन्ना के उदाहरण को लेके अभी सिखा रहे थे। मन्ना है ना, मन्ना। तो मन्ना क्या है अभी ये थोड़ा इसको सही से जानने के लिए निर्गमन में जाएंगे। निर्गमन 16 में जाएंगे, निर्गमन 16 एक से तीन तक पढ़िए। मूसा के साथ इसराइली लोग मिस्र से अभी निकल कर लाल समुद्र धूल भर हो गए, परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया था तो सूखी भूमि निकली और ये उसको पार करके अभी छुटकारा पाया। बहुत धन्यवाद था, स्तुति करते हुए आनंदित होकर परमेश्वर को महिमा देते हुए चलते 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 थे, जंगल में आ गया। जंगल में आके इनके मन में क्या आ गया, थोड़ा से सूखापन आ गया। पहले बहुत अनुग्रह से भीगा हुआ था पूरा मन, लेकिन अभी थोड़ा समय के बाद क्या आ गया, सूखापन, अनुग्रह से हट गया। तो मूसा को हारून को जो लीडर था, उनके जो नेता थे, उनको क्या करने लगे, कंप्लेन करने, ये जंगल है, सोचो यहाँ पे खाने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खाने के लिए मांस भी नहीं है, मीट भी नहीं है और रोटी भी नहीं। जब हम मिस्र में थे फिर भी खाने के लिए कोई चिंता नहीं थी वहां पे। हाँ, हाथियों के मांस के, जो हाथियों के बगल में बैठकर हम अपने मनमाना हम भोजन करते थे, लेकिन अभी ये क्या हुआ, जंगल में ले आए और हमें अभी भूखों में बढ़ते जा रहे थे। मैं इसलिए लाया ऐसा करके दोष लगाया और मतलब खड़े हो गए। तो चार पांच कोई और पढ़ दीजिए, चार पांच। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा। ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवे दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ये वचन दे दिया कि अभी मैं आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। बरसाऊंगा मतलब बारिश के समय ऊपर से खाने के लिए आपको मैं रोटी खिलाऊंगा, ऐसा बोलता है। और क्या करना है, देखिए एक कंडीशन है, शर्त क्या है, हर दिन जाना है, मतलब प्रतिदिन बाहर निकलना है और बाहर जाके हर दिन का उस दिन का जो भोजन जो है उसको इकट्ठा करना है, ठीक है। और छठवें दिन में दोगुना दे दूंगा, दोगुना। क्यों, सातवें दिन क्या है, विश्राम दिन, आराधना करते हैं, चॉइस करना है, सो काम नहीं करना। सो छठवें दिन में दोगुना, डबल दे दिया, ऐसा ये लोग आराम से मतलब विश्राम दिन में मन पूरा दिन ले सके, ऐसा परमेश्वर ने इस तरह बनाया था। लेकिन थोड़ा स्किप करके 13 से 15 पढ़िए, कोई और 13 से 15।
आगे जैसे परमेश्वर ने वायदा किया था वैसे अभी क्या हुआ, सांझ को मतलब इवनिंग में परमेश्वर ने हवा बहुत हवा चल रही और क्या आ गया बदले, ठीक है अच्छा है। और रोटी नहीं है, रोटी रोटी के लिए क्या ऊपर से क्या बरसा, ओस ओस क्या तो दीव है ना, दीव जो है बूंदी बूंदी जो पानी जैसा है ऐसा है था ऊपर से, ये पानी तरीके से खाएंगे लेकिन थोड़े समय के बाद ये सूख जाता है, सूखने के बाद क्या बनता है ऐसा जो ओत है ना, ओत ओत जैसा बन जाता था। तो इसको इसके पौधा बनाएंगे तो आता जैसा बन जाता, तो इसे गूंथ के रोटी बन सकता, तो रोटी भी ठीक है स्वर्ग। तो मीट भी अभी सब्जी भी बन गया और रोटी भी हो गई, सब सब कुछ बराबर मतलब बढ़िया परमेश्वर ने कर दिया, ठीक है। तो लोगों ने इसका नाम क्या रखा था, ये ओस ओस से जो रोटी बनती है क्या नाम रखा था, मन्ना, ठीक है। देखिए 19 से 21 पढ़िए, 19 से 21 दे दिया। ये लोग अभी बहुत सरप्राइज हो गए थे कि ये मीट और रोटी को देके मन बहुत खुश हुए, तब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा उनको बताया क्या है कि जो भी आप इकट्ठा करते हो वो सागरे तक नहीं रख के छोड़ना है, मतलब जरूरी से ज्यादा मन रखना, जरूरी से ज्यादा मन इकट्ठा करना, जितना आपको चाहिए उतना आप इकट्ठा करके बाकी छोड़ दो, ऐसा परमेश्वर ने वायदा दिया था। लेकिन हमेशा ऐसा लोग हैं जो नहीं सुनते, नहीं मानते, अरे क्या हो रहा मेरे लिए, मुझे दो तीन और इकट्ठा कर, तो इन्होंने जरूरी से ज्यादा इकट्ठा किया, क्या हो गया उसमें क्या आ गया, कीड़े आ गए, कीड़े या मतलब सिर्फ बिल्कुल मन्ना खराब हो गया। सो मन्ना परमेश्वर ने मन्ना के द्वारा ये ही सिस्टम रखा था कि मन्ना मिलने के लिए क्या करता है, कब कब जाना है, कब हर दिन सुबह 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 हर दिन जाके जितना जरूरत है उतना लेके बस आके खा के बस खत्म, और अगले दिन की जो रोटी अगले दिन की जो मन्ना अगले दिन जो फ्रेश मन्ना आएगा उसको इकट्ठा करना। लेकिन लोगों ने क्या किया, हमें कल आज मैं तीन दिन का काम करूंगा ताकि मैं तीन दिन आराम से मैं इसे खा सकूं, तो तीन गुना इकट्ठा किया लेकिन दो दिन का सब खराब हो गया। सो ये लोग दोबारा गए थे और जाके तो परीक्षा किया होगा, नहीं ये एक हफ्ता का पूरा मैं ले लूंगा, इकट्ठा करके ज्यादा ले गए, अच्छा मैं इसे एक हफ्ते के एक हफ्ते जो होने तक वो जरूरत नहीं है, अभी दोबारा काम करने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत नहीं, इससे काफी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक दिन का बच गया और छह दिन का सब खराब, कोई एक महीने का पूरा मेहनत करके आज एक दिन में दस करके काम करके मैं मन्ना को एक महीने के लिए मैं इकट्ठा करूंगा ताकि एक महीने में आराम से रह सकूं, तो एक महीने का सब इकट्ठा किया होगा, क्या हो गया सिर्फ एक दिन का बच गया और बाकी 29 दिन का सब खराब। तो क्या करना पड़ा इनको, हर दिन जाके परमेश्वर के अनुग्रह से जो मानना लेकर आना चाहिए, ये वाला सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, ठीक है। और 23 से 28 तक पढ़िए, 23 से 28 उसने उनसे कहा यह वही बात है जो यहोवा ने कही,
मेरी आज्ञाओं को और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? सिर्फ एक दिन का इकट्ठा करके आना था, लेकिन एक एक्सेप्शन था, मतलब छत्रमंगी उसके अगले दिन के लिए भी इकट्ठा कर सकते थे। ये दो दिन तक खराब नहीं होंगे अद्भुत काम परमेश्वर ने ऐसा बना के रखा है। क्यों? क्योंकि अगले सप्तमी में चर्च जाना है, आराधना करनी है, तो उसमें बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। परमेश्वर ने दो दिन तक उसको रक्षा करके रखा, तो स्पष्ट बोला था सातवां दिन विश्राम परम विश्राम दिन है, इसलिए तुम लोग बाहर नहीं जाना। बाहर में मना नहीं होगा, सातवें दिन में बाहर नहीं जाना, सातवें दिन में दो गुना आप जमा करके रखो और सातवें दिन में पूरा परमेश्वर मेरे पास आ जाए। टाइम रखा है, लेकिन ऐसा तो हमेशा है, कोई आके सातवें दिन में भी सातवें दिन भी जाके थोड़ा मैं थोड़ा सा कमाऊंगा, जाके बाहर निकल गया एक भी नहीं मानना नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ सातवें दिन तक देने के लिए बड़ा कर दिया, ऐसा हो तो परमेश्वर इसको देख के क्रोधित हो गए, तुम लोग कब तक मेरी आज्ञा को मेरी व्यवस्था को तुच्छ जानते हैं, ऐसा उल्लंघन करते रहते, ऐसा परमेश्वर क्रोधित। और ये अभी जो मन्ना की जो घटना है, मन्ना की जो कहानी है, अभी इस प्रभु की प्रार्थना में हमारी दिन भर की रोटी, यानी हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, इसमें शामिल है। ठीक है, तो पहला क्या है? प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर रहने की प्रार्थना है। ये प्रार्थना प्रतिदिन हम परमेश्वर पर निर्भर रहना है, डिपेंड करना है परमेश्वर हर दिन। जैसे इसराइल लोग हर दिन प्रतिदिन मन्ना बतौड़ने के लिए जाना पड़ा, वैसे हमें भी प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए जाना है। कहां जाना है? प्रार्थना की जगह में जाना है। अभी हम जंगल में नहीं है, लेकिन जंगल जैसा अभी हम संसार में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या जरूरत है? यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जंगल में देखिए, जंगल में लोगों को कुछ नहीं मिला खाने के लिए, भोजन सब्जी पानी कुछ नहीं था, तो इसलिए कुरकुरा, तो परमेश्वर ने उनको मन्ना प्रदान किया। मन्ना प्रदान करते हुए परमेश्वर ने उनको यह सिखाया कि प्रतिदिन मेरे सम्मुख आओ और मेरे अनुग्रह को देखो और मुझसे अनुग्रह ले लो, मतलब मुझ पर निर्भर हो, मुझ पर भरोसा रखो। ये सिखाने के लिए परमेश्वर ने प्रतिदिन मन्ना बतौड़ने का सिस्टम रखा था। तो हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें इस प्रार्थना करते समय हमें ये सोचना है कि अच्छा, ये प्रार्थना मुझे हर दिन करना है, हर दिन, सिर्फ हफ्ते में एक दिन नहीं करना है, हर दिन करना है। हर दिन कहां जाना है? मन्ना मिलने जाना है। मन्ना लेने के लिए किसके पास जाना है? परमेश्वर के सम्मुख जाना है प्रतिदिन। मैं अगर जब तक आप मुझे ये अनुग्रह नहीं देंगे तो मैं जीवित नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रभु मुझे दया कर, मुझे कृपा कर और मन्ना दैनिक मन्ना मुझे प्रदान कर। हमारे दिन भर की रोटी में ये भी शामिल है, हमारे खाने की रोटी जरूर, हमारे खाना भी। आप इसको आसानी से मत सोचिए कि मैंने मेहनत किया, मैंने पैसे कमाया, इसलिए मैं यही आराम से खा सकता हूँ, ऐसा मत सोचिए। अगर प्रभु हमें नहीं देता, हमें इतना हेल्थ नहीं देता, तो हम कमा भी नहीं सकते हैं और नहीं कमाएंगे, हम खाने के लिए नहीं। अभी प्रभु ने मुझे ताकत दे दिया पैसे कमाने का, रास्ता खोल दिया और अच्छा जॉब दे दिया और अच्छा खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, पढ़ने के लिए सब चीज दे दिया। ये अपने आप नहीं हुआ, सब परमेश्वर की अनुग्रह है। तो उसको धन्यवाद देते हुए, पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आज भी मैं आपके सम्मुख दिन में मर्तब के साथ गुजरने देख के आपके सम्मुख जाता हूँ।
ताजी मुझे दैनिक रोटी दैनिक मन्ना प्रदान कर, ऐसा हमने प्रार्थना कर। जंगल जैसा संसार में हम रहते हुए ये मन्ना अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम दुखों में मर जाएंगे, मतलब आत्मिक दुखों में मर जाएंगे। ये जान लीजिए, इन्होंने अगर दो दिन का तीन दिन का जमा करता तो ये बाकी दो दिन खराब हो जाता, एक हफ्ते का जमा करते फिर भी छह दिन का खराब हो गया, महीने का जमा करेंगे फिर भी बाकी 29 दिन का खराब हो जाएगा। पूरा शरीर का आप जमा कीजिए, सिर्फ एक दिन का बचेगा, बाकी 364 दिन का सब खराब हो जाएगा। क्या करना है? हर दिन उसी दिन की अनुग्रह मांग रहा है, हर दिन परमेश्वर के सामने ही रहा। हमारे बच्चे भी बहुत छोटे थे, बहुत क्यूट, देखने से भी मम्मी पापा के मन में बहुत आनंद आता है, और जानता है इस बच्चे के पास क्या चाहिए, जानता है पापा मम्मी देने के लिए खरीद के भी लाया, लेकिन उसको देने से पहले उसकी आवाज सुनना चाहता है। क्या आवाज? पापा दे दो, ये आवाज सुनना चाहता है। सो क्या बोलते हैं? पापा दे दो, बोलो ये बोलेगा पापा दे दीजिए, ओके। ये होने से पहले पापा के मन में देने के लिए सब तैयार था, लेकिन जानबूझ के मेरे प्यारे बच्चों की आवाज मैं सुनना चाहता हूं, इसलिए बोलो तो मैं दे दूंगा, ठीक है। इसलिए हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर सब कुछ जानता है हमें क्या चाहिए, लेकिन बस अपना मुंह खोल के पापा पिता हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दीजिए, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, ये बात सुन के परमेश्वर हमें देना चाहिए। तो ये दो दिन के लिए नहीं है, तीन दिन के लिए नहीं है, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए नहीं है, सिर्फ प्रतिदिन की प्रार्थना है। प्रतिदिन हम परमेश्वर के सम्मुख जाना है, पापा से मांगना, पापा आज जो मेरे लिए जरूरत है उसको अपने अनुग्रह से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते। दूसरा क्या है? जितना आवश्यक है उतना ही मांगना, जितना आवश्यक है उतना मांगना। हम इंसान होने के नाते क्या करते हैं? जमा करना हम बहुत पसंद करते हैं, जमा करना, जमा करना। मैं भी चाहता हूं ताकि हर दिन काम करने की, हर दिन मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। 10 घंटे पूरा सही के लिए दुआ करूंगा, फास्टिंग प्रेयर करूंगा सिर्फ 10 घंटे आज, ताकि मैं पूरा सही के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता ना हो। ऐसा करके हम बहुत चाहते हैं, और पवित्र आत्मा अभी एक पर भर जाए और चलते रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा हमें आत्मा से नहीं भर देते। हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए भी हर दिन हम चाहते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, सभा में जाऊंगा, उसमें किसी से जो बहुत जो फेमस जो एवेंजेलिस्ट का जो प्रार्थना ले लूंगा तो मैं पूरा असर तक क्या हो जाऊंगा, पवित्र आत्मा से बिल्कुल परिपूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन देखिए उसके अगले दिन ये भी सब ठंडा हो जाता है। जमा नहीं करना है, प्रतिदिन की आवश्यकता, प्रतिदिन का अनुग्रह है, प्रतिदिन जाके मांगो परमेश्वर से, वचन से, प्रार्थना से, मुझे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने दे। ये हमारे जो हर दिन का हमारा ड्यूटी है, और परमेश्वर हमें ज्यादा तो नहीं देते, ठीक है, ज्यादा खाने से ये पेट में प्रॉब्लम होगा, जानता है तो पापा, तो जितना इसको चाहिए इसके लिए जरूरी है उतना परमेश्वर देता है, ठीक है, काफी है, ज्यादा नहीं है लेकिन काफी देते हैं, ज्यादा और काफी ये दोनों अलग बात है, ठीक, ज्यादा जरूरी से ज्यादा ये काफी है, जरूरी है उतना काफी है। मन्ना भी उसी दिन का, सिर्फ उसी दिन का ऐसा जमा करना था, उसी दिन का इकट्ठा करना था, उसी दिन के लिए जो काफी है, जरूरी से ज्यादा अगर आ गया तो ये बिल्कुल उतना ही खराब हो गया। ताकि परमेश्वर ने हमें ये सिखाए कि सिर्फ आवश्यक है आपके लिए वही मांग, तृप्त हो जाओ, तृप्त
सेटिस्फेक्शन, ये सिखाने के लिए। और कल के लिए तो आवश्यकता, कल तो कल, कल बाहर जाओ, कल खाता करो, कल भी मिलेगा, ये विश्वास है। कल भी मन्ना आए ना आए, क्योंकि उनके मन में दाऊ था शायद आज तो मन्ना इतना आ गया, लेकिन कल अगर नहीं आए तो क्या करें, तो इसलिए मैं आज दो गुना ले लूंगा। विश्वास नहीं है, परमेश्वर ने वायदा किया प्रतिदिन का मन्ना मैं प्रतिदिन दे दूंगा, बस सातवें दिन में दो गुना आप जमा करो, क्योंकि सातवें दिन में नहीं दूंगा। तो ऐसी चीजें हो गया, लेकिन लोगों के मन में विश्वास नहीं है। परमेश्वर के वचन पर दाऊ था तो उसका पूरा मन नहीं जोड़ दिया, बस अपने सोच डाल के कल शायद नहीं क्या होता है तो आज मैं जाऊँ, दो मन बिल्कुल खराब। तो प्रतिदिन देखिए, आज की चिंता आज से काफी है, जिसने बोला था आज की चिंता आज काफी है, कल की चिंता कल करो। हम बहुत लंबा समय तक का चिंता करते हैं, लेकिन आज के जो परमेश्वर ने काम दिया है सिर्फ उसके लिए मांगो, उसके लिए तृप्त हो। कल की चिंता, कल दोबारा बाहर जाएंगे ना, मन्ना मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, उससे सोल्व हो जाए। चिंता मत कीजिए, चिंता करने से क्या लाभ होता है, विश्वास जोड़। कल परसों परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है, वो जरूर मेरे जीवन में मन्ना बरसाएगा, क्योंकि वचन में उन्होंने स्पष्ट वादा किया। ऐसा विश्वास जोड़ के सिर्फ उसी दिन का जरूरत है, उसी दिन के लिए परमेश्वर के पास जाके मांगो, परमेश्वर जरूर हमें बरसाएगा। ठीक है, तो ये प्रार्थना हमसे हमारे जब लालच को दूर करने की प्रार्थना। ठीक है, पहली प्रार्थना क्या है, प्रतिदिन परमेश्वर से निर्भर होने के लिए प्रार्थना था, और दूसरा ये क्या है, हमसे लालच को हटाने की प्रार्थना। लालच नहीं रखना है, संतुष्ट होना है, संतुष्ट। और अगर संतुष्ट नहीं होगा तो सूखापन आएगा, तो क्या आएगा, कुड़कुड़ापन, बहुत ज्यादा बहुत कुड़कुड़ा, कंप्लेन कंप्लेन। लेकिन अगर हम उसी दिन का अनुग्रह से काफी संतुष्ट हो जाएंगे, दिल में क्या भर जाएगा, धन्यवाद भर जाएगा। तो मुंह से हमेशा धन्यवाद 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 धन्यवाद, सब कुछ को ओवरकम करने वाला बहुत मजबूत हथियार है, आप जानते हैं। अगर धन्यवाद हमारे जीवन से, हमारे मुंह से खत्म हो जाएगा ना, उस जीवन में शैतान बहुत जल्दी से आगे घुस जाता है काम कर। जो धन्यवाद दिल नहीं है, धन्यवाद का दिल नहीं है, वो शैतान का आहार बना था। तो आप आज से जन्मबुझ के दिल में धन्यवाद रखिए, जो आज प्रभु ने अभी तक मुझे नहीं मिल रहा इसमें फोकस करने की बजाय जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको आप गिन लो, काफी है मेरे लिए, काफी है। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते, जो अब तक मुझे नहीं मिल रहा इसमें फोकस करते, इसलिए हमारे गवाही के समय में लोग नहीं ज्यादा नहीं खड़े होते, क्योंकि मुझे मिलना है इसमें अपने आप हो गया, जो मुझे नहीं मिलना ना ये मिलूंगा मिलेगा अपने गवाही दे दूंगा, हम सोचते हैं ये नहीं है। लेकिन हम मिल चुका है, बहुत सारे आशीष मिल चुके, प्रार्थना का उत्तर भी मिल गया, लेकिन हम सोचते नहीं है, स्मरण नहीं करते मैंने क्या मांगा था, क्या प्रार्थना किया, जरूर तो आपको मिल गया होगा, याद कीजिए तो धन्यवाद से भर जाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक, लास्ट, ये प्रार्थना क्या पे नहीं है, या कौन या किस से हमारे ध्यान देने का प्रार्थना। ज्यादातर हम क्या मानते हैं, मानना, हमारे लिए मानना महत्वपूर्ण है, मानना 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 मानना, एक आज मानना मिल गया, वो मिल गया, मानना मानना आपको कितना मिल गया, महीने में कितना मिल गया, फिर मानना की बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन आठ का दिन कोई याद है, व्यवस्थित वर्णन आठ का दिन में ये लिखा, उसने मुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो मुझको सिखाए, तुझको सिखाए, क्या सिखाए, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता। मन्ना देने का मकसद क्या था,
ताकि परमेश्वर हमें, मुझे, आपको ये सिखाए। ये सीखना आप लोग रोटी से नहीं जीवित रहता, आप लोग मन्ना से नहीं जीवित रहता, संसारिक चीजों से नहीं जीवित रहता, संसारिक आशीषों से नहीं जीवित रहता, आप मुझे से जीवित रहते हो। ये सीखना, इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने मन्ना का ये सिस्टम हमारे पास दे दिया। तो मन्ना देने वाला परमेश्वर को देखना, सिर्फ मन्ना को हम देखते, प्रार्थना की जो उत्तर को हम बहुत इसमें मान लगाते हैं, प्रार्थना का उत्तर मिल गया नहीं मिल गया, उत्तर हाँ मैंने इसके लिए दुआ करी थी तो ये मिल गया नहीं मिल गया, इसमें हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर को हमें नहीं देखा। तो अभी ये दूर है जो परमेश्वर के मकसद से बहुत दूर है। परमेश्वर क्या चाहता था, इसके द्वारा मुझको देखो, तुम उस मन्ना से नहीं जीवित रहते हो, मुझे से जीवित रहते हो, मेरे जो मुंह से निकलते हैं वो वचन उससे जीवित रहते हो, यानी मुझे से ही जीवित रहते हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सीख लो। ये सिखाने के लिए परमेश्वर ने मन्ना दे दिया, और ये प्रार्थना भी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये प्रार्थना भी उसी मीनिंग में शामिल है। सो हम परमेश्वर आप रोटी दे ना दे, हम उससे कोई मतलब नहीं, बस हम आपसे जीवित रहते, आप आपके अलावा, आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, ये अंगीकार करते हैं। तो हमारे दिन ये दिन में जो जो मुझे आवश्यक है, जरूरत है, आप जानता है उसको, उतना ही प्रार्थना है। ये प्रार्थना इसमें हमारे मुंह से आना चाहिए, ठीक है। सो ये प्रार्थना हमें मानना या हमारी आवश्यकताओं को नहीं, बल्कि उन्हें प्रदान करने वाले परमेश्वर पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है ये प्रार्थना, ठीक है। इसको देने वाला, प्रदान करने वाला परमेश्वर पर हमारे मन लगा। हमारे पास कितनी सारी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं हैं, हमें पैसों की आवश्यकता भी है, और स्वास्थ्य की आवश्यकता भी है, और अच्छे नौकरी की आवश्यकता भी है, और प्रतिदिन जीवन जीने की शक्ति की आवश्यकता भी है, और हम उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा करने के बजाय उस समय को, उस प्रार्थना करने का समय को हमें बहुमूल्य समझना और महत्व देना, ठीक है। मन्ना, मन्ना में फोकस करने के बजाय मन्ना इकट्ठा करने के समय को कीमती समझना, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर ये मन्ना आज भी आपने मेरे लिए दे दिया, ये आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है, आपकी दया है, मन्ना इकट्ठा करने का टाइम पे हमें आराधना कर सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर महिमा दे सकते हैं। तो मन्ना पे नहीं, मन्ना को देने वाले परमेश्वर पर हम मान लगाते हैं, हमारे हम ऊपर देखते हुए मन्ना इकट्ठा करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। आपकी नजर अभी कहाँ पर, पैसों पर, आज कितनी सैलरी मिली या कितनी, मतलब पैसे आ गए, कितना नुकसान हो गया, सिर्फ इसमें फोकस करते हुए हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं देखने देखने को। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रार्थना से परमेश्वर अभी हमें खींच रहा है अपनी तरफ, मुझे देखो, ये हमारी तुम्हारे दिन भर की रोटी प्रदान करने वाला मैं हूँ, मुझ पर निर्भर हो जा और संतुष्ट हो जा और मुझको देखते रहे। प्रार्थना करने का ये टाइम से आप प्यार कीजिए, ठीक है, उत्तर से नहीं, प्रार्थना के जो वो करने का टाइम है ना, उसको कीमती बहुत मैं समझ के बहुत बहुत खुशी आनंद ले लीजिए। परमेश्वर से बात करना और उनके साथ अधिक नजदीक होना ये सबसे बड़ी आशीष है, आमीन, सबसे आशीष अच्छा आशीष ये है परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के बिल्कुल अंदर हूँ, परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक हूँ, ये हमारा सबसे बड़ा ब्लेस है। तो मेरे प्रियो, हमारी दिन बार की रोटी आज हमें दे, ये प्रार्थना
वो प्रार्थना नहीं है जिसमें हम ये वाली चीजें पाने के लिए जो जीत करते हैं, देखो 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 हमारे जीत का किलो क्या है, हमारे ये ऐसा जीत करने का प्रार्थना नहीं है। ये तो क्या है जो आज के दिन में जो परमेश्वर से मिला हुआ अनुग्रह पर हम धन्यवाद देते हैं, और जितना मुझे आवश्यक है उतना प्रार्थना मांगने का प्रार्थना है, और हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर होने का प्रार्थना है, और मन्ना पे फोकस नहीं लेकिन देने वाला परमेश्वर फोकस करने वाला प्रार्थना। ये आठ का तीन दोबारा स्मरण कीजिए, जो मैंने तुम्हें मना और तुम्हारे पुरखाओं को भी मना मैंने जो खिलाया उसका उद्देश्य यह था कि तुम ये सीखें मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहता, मनुष्य परमेश्वर के वचन जो तुमके मुंह से दुख से निकलता उससे जीवित। ये लेसन मैं आपको टीचिंग करना चाहता हूँ, इसलिए हमें संसार में रखा, हम खाए पिए और आनंद ले और खत्म हो जाए, इसलिए हमें संसार में रखा। अभी हमें 80 या 90 या 100 साल का जिंदगी इस संसार में रहने का मौका इसलिए दिया कि तुम ये सीखो तुम मुझके मुझसे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे अनुग्रह की जरूरत है, ये सीखो। जब हम सीखेंगे तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम पास हो जाएगा, तो परमेश्वर हमें बुलाएगा, ओके पास हो गया आज। सो ये प्रार्थना हम हर दिन करते रहेंगे, आत्मिक ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, और हर दिन और हर समय परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, और हर दिन धन्यवाद करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और हम इन सभी आशीष देने वाले परमेश्वर को देखेंगे और उनसे और प्रेम करेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा हम ऐसा बन जाएंगे, इसलिए हम ये वाला प्रार्थना कब तक करना है, कब तक मरने तक हमारी जिंदगी भर प्रतिदिन ये प्रार्थना करनी है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको सच में दिन भर की रोटी प्रदान करें, और आपके जितना आवश्यकता है वो सब पूरा करें और आशीष दें।